किसी करेंसी की स्ट्रेंथ उसके इंटरनेशनल मार्केट डिमांड से डिटरमाइन की जाती है कुवैती दिनार हाई डिमांड में रहता है बिकॉज ऑफ इट्स वेल्थ ऑफ ऑयल सिंस ऑयल की इतनी ज्यादा डिमांड है बहुत से देशों को ऑयल परचेज करने के लिए दिनार की जरूरत होती है यह हाई डिमांड इसके एक्सचेंज रेट को बढ़ा देता है नंबर टू पैकिंग देर एक्सचेंज रेट एट अ हाई लेवल कुवैती दिनार को ओरिजिनली पाउंड स्टर्लिंग पे इंडेक्स किया गया था जो ऑफिशियल करेंसी है यूनाइटेड किंगडम की लेकिन ड्यू टू तो चेंजिंग कंडीशन कुवैती दिनार की वैल्यूएशन बास्केट ऑफ करेंसी से होने लगी ऐसा नाइनटीन से फाइव टू थ्री तक रहा आफ्टर दैट 2003 में कुवैती को यूएस डॉलर पे वैल्यू किया जाने लगा ऐसा 2007 तक चला इसके बाद करेंसी बोर्ड बास्केट ऑफ करेंसी पे वापस आ गई नंबर थ्री मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम कुवैती कुनार वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी रही है ड्यू टू द ऑयल रिच नेशंस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कुवैत वन ऑफ द लीडिंग ऑयल एक्सपोर्ट